जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। और मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना बीमारी से लड़ रहा है। काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं। सरकार काफ़ी मदद करने की कोशिश कर रही है, बल्कि कह सकते हैं दिखावा भी कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं है लोगों को। सरकार हर साल आती है और हर साल जाती है, और जिसकी भी सरकार बनती है 5 साल तक वो पूरा राज करती है और दिखावा करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय बिहार काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहा है। बिहार में अभी कुछ महीने पहले काफ़ी लोग बिजली गिरने से मरे, कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं और अब बाढ़ से भी लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान तो दिक्कतों का सामना करने की आदत सी हो गई है और वो लड़ती भी है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई भी दूसरा देश हो। हमें लड़ने की आदत है और हम लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इस समय जो हालात बिहार में चल रहे हैं, उसके लिए हमें बिहार की मदद करनी होगी। रोते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लानी होगी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा अकाउंट खुलवाया है और इस वीडियो के माध्यम से और मेरे से और पूरे हिंदुस्तान से जितना हो सके आप दान दीजिए, ताकि जिन राज्यों में खाना तक नहीं पहुंचा, तिरपाल तक नहीं पहुंची, उनको रहने में दिक्कत हो रही है, उनकी मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। सरकार जाती है और उनसे सहानुभूति दिखाती है, लेकिन मदद नहीं करती। हिंदुस्तान सरकार को ये कहती है कि जो भी विपदा आपको पता है कि हर साल आती है, बिहार में बाढ़ हर साल आता है और हर साल बिहार के लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। बिहार की सरकार को ये सब पता है, तो इसके लिए बिहार की सरकार को पहले ही अच्छे कदम उठाने चाहिए। जो बांध बने हैं उनकी समय समय पर जांच होती रहे, उसको कैसे मजबूत किया जा सके, उसको किस तरह बनाया जाए ताकि पहाड़ में पानी आने में उससे निपट सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा
जो बिहार में हालात चल रहे हैं इस समय, वो आप लोगों को रुला देंगे। और इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। मैंने अभी कुछ वीडियो देखे थे जिसमें एक बाप को बेटी की लाश नहीं मिल रही, बेटे को बाप की लाश नहीं मिल रही, एक बीवी अपने पति को बिना ऑक्सीजन मास्क के एम्बुलेंस में घुमा रही है, उसे बैग नहीं मिल रहा। तो मैं बिहार की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बिहार के हालात को सुधारे। जो पैसा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जाता है, उसे सरकार सही मायनों में सही जगह और जितना गया है उतना लगाए, तो बिहार आज इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। बिहार के पास जो पैसा जाता है बिहार को डेवलप करने के लिए, वो पैसा सरकार, राजनेता, मुखिया सब खा लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो मुखिया एक बार इलेक्शन लड़ता है उसका घर कुछ ही सालों में झोपड़ी से मकान बन जाता है। इतना पैसा उस मुखिया के पास आया कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। बिहार की जनता को भी देखना होगा कि जो पैसा उनको मिल रहा है सरकार के माध्यम से, उस पैसे को वो जिसके लिए उसे दिया गया है उसी के लिए प्रयोग में लाए। इसमें बिहार की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी। इस समय लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कई लोग मदद भी कर रहे हैं, जिनसे जितना हो सके कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लोगों की मदद लोग ही करता है, सरकार नहीं। हमारा देश एक राष्ट्रवादी देश है और बस यही आपसे कामना करता हूँ कि आप मुझे ना देकर आप किसी न किसी तरह लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें। और आप सभी के माध्यम से, इस वीडियो के शेयर करने से, लाइक करने से, और आप सबको मेरी बातें कितनी सही लगे, आपसे अनुरोध है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम बल्कि पूरा हिंदुस्तान आगे भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके और लोगों की मदद कर सके। बस दोस्तों, इतना कीमती समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लोगों की मदद कर सकें तो करिए, जितना हो सके करिए, और उनके चेहरे पे स्माइल डालिए। जय हिंद दोस्तों, और जय भारत।